दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को बेहतरीन क्रिकेट टीम मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में बुरी तरह टेस्ट और वनडे सीरीज हारने के बाद भारतीय सरजमी पर लौट आई है, जहां उसे वेस्टइंडीज के साथ वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है और उसकी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है, जिसके लिए भारतीय टीम ने एक 20 ओवर का इंट्रा स्क्वाड मैच खेला, जिसमें हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा का तूफान देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस मुकाबले के बारे में, लेकिन उससे पहले श्रेयस अय्यर और विराट कोहली में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारतीय टीम ने दो टीम बनाई, जिसमें एक की कप्तानी रोहित शर्मा ने की तो दूसरी की कप्तानी विराट कोहली ने की, और रोहित शर्मा की टीम में राहुल श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाजों के साथ जडेजा, चहल, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर जैसे गेंदबाज शामिल थे, और विराट कोहली की टीम में शिखर धवन, ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज और हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और दीपक चहर जैसे गेंदबाज शामिल थे। तो वहीं रोहित ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए खुद आए और साथ में राहुल उतरे, और पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए। तो वहीं दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत की और 6 ओवर के अंत तक 60 रन बना दिए और विकेट भी नहीं गंवाने दिया। फिर अगला ओवर गेंदबाजी करने के लिए दीपक चहर आए और राहुल को आउट कर दिया। तो वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की। तो वहीं 18 ओवर के अंत तक रोहित की टीम ने 170 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए। तो वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए और उन्होंने एक ही ओवर में 3 छक्के और अगले ओवर में 4 छक्के जड़कर रोहित की टीम को 220 रन पर पहुंचा दिया, जिसमें रोहित शर्मा ने 90 रन नाबाद बनाए और गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए। तो वहीं जब गेंदबाजी करने के लिए रोहित की टीम उतरी तो पहले ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने ओपनिंग करने उतरे शिखर धवन को आउट कर दिया। तो वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और 15 ओवर तक 140 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए, और इसके बाद अगला ओवर गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को दिया और रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में 3 विकेट लिए, और अब विराट की टीम को 24 गेंदों पर 81 रन चाहिए थे और विराट कोहली 70 रन पर नाबाद थे, और उन्होंने अगले ओवर में शार्दुल ठाकुर को शिकार बनाया और इस ओवर में 5 चौके जड़ दिए और अगले ओवर में 3 छक्के समेत 20 रन बटोरे, और इसी के साथ विराट कोहली ने अपना शतक भी पूरा किया। तो वहीं अब 12 गेंदों में 41 रन की जरूरत थी और रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में विराट कोहली को आउट कर दिया और इसी के साथ रोहित की टीम जीत गई। तो वहीं राहुल द्रविड़ ने दोनों ही टीमों के प्रदर्शन को बड़ी ही बारीकी से देखा और उन्हें अंदाजा लग गया कि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं और बेहतरीन प्रदर्शन आने वाले वनडे सीरीज में करेंगे, और इसी के साथ इस मुकाबले में रोहित, जडेजा, विराट और हार्दिक पांड्या ने शानदार प्रदर्शन किया। दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में रोहित, विराट में से कौन सा खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा, बेहतरीन प्रदर्शन देगा, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।